हाय एवरीवन, माय नेम इज हितेश गिल एंड द चैनल यू आर ऑन इज विंटर्स एंड ड्रम। आपको टाइटल और थंबनेल देख के पता तो लग ही गया होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। द कैमरा दैट आई हैव बीन वेरी एक्साइटेड अबाउट, इट्स फूजी फिल्म XH2S। और भाई सारी जो भी हाइप थी वो एकदम वर्थ इट थी। कैमरा बहुत ही अमेजिंग निकाला है फूजी फिल्म ने। और मैं इस वीडियो में आपको एक तो स्पेक्स रिव्यू देने वाला हूँ इस कैमरा का, कि क्या क्या स्पेक्स हैं, क्या क्या परफॉर्मेंस है इस कैमरा का। ऑफकोर्स इट्स नॉट अ कम्प्लीट रिव्यू, वो शायद आ जाए जल्दी फ्यूचर में, बट दिस इज़ अ स्पेक्स रिव्यू। और आपको मैं ये बताऊँगा कि एज एन इंडियन फिल्म मेकर आपको ये कैमरा कंसिडर करना चाहिए या नहीं, कंसिडरिंग कि कॉम्पिटिशन भी बहुत अच्छे अच्छे कैमराज दे रहा है। लेट्स गेट इन टू द वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो बेस्ट फीचर्स हैं, जो बेस्ट अपग्रेड्स हैं भी इस वाले कैमरा में, जो अभी तक फूजी फिल्म अपने दूसरे कैमराज में नहीं देता था। उन अपग्रेड्स की बात कर लेते हैं पहले। दिस पार्ट आई विल डेफिनेटली रीड एंड स्पीक, क्योंकि इतनी लंबी लिस्ट याद तो नहीं होने वाली थी। देखो, सबसे पहली चीज़, हमको स्टैक्ड BSI सेंसर मिल गया है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जो मैंने रूमर से रिलेटेड वीडियो डाली थी उसमें बोला था कि इट इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग अगर हमको इस XH2S में भी स्टैक्ड सेंसर मिल जाता है, और हमको मिल गया। फूजी फिल्म हैज़ गिवन दैट एंड इट्स अमेजिंग। अब फॉर श्योर इसकी इमेज क्वालिटी पे अभी कोई कमेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो रिव्यूज़ आए हैं वो भी बहुत इन डेप्थ रिव्यूज़ नहीं है, बट स्टैक्ड सेंसर है एक चीज़ में तो आपको बहुत ही मेजर अपग्रेड मिलेगा ही मिलेगा, एंड दैट इज़ द स्पीड। हमको हर चीज़ की स्पीड में बहुत ही अमेजिंग, हमको बहुत ही अच्छा अपग्रेड देखने को मिलेगा। इसके बाद आते हैं हम कुछ फिज़िकल फ़ीचर्स पे, और कुछ फिज़िकल फ़ीचर्स की बात करूँ तो इसमें आपको एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलता है ऊपर, एक नया बटन लेआउट है कम्प्लीटली, और एक काफ़ी डीप वाली ग्रिप मिली है हमको इस वाले कैमरा में, जो कि अनयूजुअल है फूजी फिल्म के केस में। क्योंकि फूजी फिल्म हमेशा, मैं XT4 यूज़ करता हूँ तो मेरे को पता है, वो विंटेज लुक देने के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा डीप ग्रिप नहीं देता, तो XH1 में थी वो, अब कुछ एक दो और कैमराज में फूजी फिल्म में निकाली थी, एंड XH2S में वो फिर से उन्होंने वही किया है, एक पूरा फ्लैगशिप उसको एक अच्छा तगड़ा वीडियो कैमरा बनाने की कोशिश करी गई है। इनफैक्ट फोटो फीचर्स भी बहुत अमेजिंग है, तो कंसिडरिंग दैट दे हैव गिवन अ वेरी डीप ग्रिप। इसमें आपको दो कार्ड स्लॉट्स मिल जाते हैं, जो कि जिनमें से एक है UHS-II और एक है CF Express Type-B। Type-B बड़े वाला कार्ड होता है, दैट इज़ बेसिकली फॉर अनदर कोडेक्स। कुछ ऐसे कोडेक्स हैं इसमें जो कि सिर्फ CF Express पे ही आप शूट कर सकते हो, उनकी आगे बात करते हैं। इसके अलावा आपको एक 3.5mm का जैक मिल जाता है, जो कि XT4 में नहीं है मेरे पास, इन्होंने दिया नहीं था, हटा दिया था फॉर सम रीज़न, एंड यू आर गेटिंग अ फुल साइज़ HDMI। बेस्ट थिंग दैट फूजी डिड वॉज दिस। किसी को पसंद नहीं आती वो माइक्रो HDMI जो भी कहते हैं उसको, वो छोटा सा जो HDMI पोर्ट होता है, दैट इज़ वेरी फ्लिमजी एंड इट्स नॉट वेरी कन्वीनियंट टू यूज़। तो फुल साइज़ HDMI, वेरी नाइस मूव। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो कस्टम डायल मोड होता है उस पर आपको 7 कस्टम मोड्स मिल रहे हैं, आप अपने हिसाब से कुछ भी कस्टम मोड्स बना सकते हो। मैंने कुछ रिव्यूज़ देखे हैं, और उन रिव्यूज़ में जो एक चीज़ मेरे को लगी जो कि बहुत ही मेजर अपग्रेड है, एंड इट्स फार बेटर देन द कॉम्पिटिशन, इज़ द रोलिंग शटर परफॉर्मेंस। रोलिंग शटर बहुत क्रेजी बताया जा रहा है इसका, एंड आई कैन नॉट वेट कि मैं जैसे ही ये कैमरा, जैसे ही हैंड ऑन मेरे हो पाएंगे, मैं बहुत ही जल्द इसका रिव्यू बनाऊंगा जब भी आता है मेरे हाथ में, फॉर श्योर। XH2S में पहली बार फूजी फिल्म ने F-Log2 इंट्रोड्यूस किया है, बेसिकली इट्स द नेक्स्ट वर्जन ऑफ F-Log। इसमें फूजी फिल्म कह रहा है कि आपको हर सिनेरियो में, ऑलमोस्ट हर सिनेरियो में आपको 1 to 2 स्टॉप्स बेटर डायनामिक रेंज मिलेगी एज़ कम्पेयर टू F-Log। तो दैट इज़ अ थिंग टू टेस्ट। आप ये इस चीज़ का आप रिव्यू देख सकते हो जेरी लंडन के चैनल पे, आपको एक बहुत अच्छी वीडियो मिल जाएगी, इन डेप्थ उन्होंने डायनेमिक रेंज टेस्ट करके डाला हुआ है, एंड द डायनेमिक रेंज इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव, ओवर 14 स्टॉप्स ऑफ डायनेमिक रेंज कुछ कुछ सिनेरियोज में हमको ये कैमरा दे रहा है, विच इज़ फैंटास्टिक, अनदर बेनिफिट ऑफ स्टैक सेंसर। 7 स्टॉप का आपको IBIS मिलने वाला है इसमें। अब इसका जो रियल लाइफ परफॉर्मेंस होने वाला है IBIS का, उसको वो देखने के लिए मैं आपको कुछ लिंक्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप और रिव्यूज़ भी देख सकते हो, ऑलरेडी कुछ रिव्यूज़ इस कैमरा पे बन गए हैं, बट ये वीडियो पहले देखना पूरी, क्योंकि आपको मैं एक पर्सनल ओपिनियन देने वाला हूँ एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो ये वीडियोज़ देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाके, लिंक्स पे जाके आप कुछ और वीडियोज़ भी देख सकते हो। अब आते हैं कोडेक्स पे। बेसिकली आपको वही सब H.264, H.265 कोडेक्स के साथ साथ सब वो सब कुछ मिल रहा है आपको, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू आर गेटिंग ProRes इंटरनल रिकॉर्डिंग, विच इज़ क्रेजी। एंड सारे जो प्रोफेशनल फिल्म मेकर्स हैं वो जानते हैं कि ProRes कितना ज़्यादा काम आता है सर्टेन सिनेरियोज़ में, क्योंकि H.265 फाइल्स और H.264 फाइल्स
ये ठीक है सब, बट प्रोग्रेस जो होता है इट इज़ वेरी इजी टू एडिट। मशीन्स पे बहुत लाइट होता है प्रोग्रेस, इन स्पाइट ऑफ ऑल द हाई एंड कोडेक्स या फिर जो भी हाई रेजोल्यूशन में आप शूट करोगे वो भी इजीली एडिट कर देती है आपकी मशीन। तो दैट इज़ वाई प्रोग्रेस इज़ अ वेरी गुड फीचर फॉर अ प्रोफेशनल फिल्म मेकर। प्रोग्रेस के साथ साथ आपको ब्लैक मैजिक रॉ भी मिलने वाला है, बट दैट इज़ एक्सटर्नल। एक्सटर्नल भी अगर आपको ब्लैक मैजिक रॉ मिल रहा है दैट इज़ एन अमेजिंग थिंग, बिकॉज़ जब भी आप कोई बहुत ही हाई एंड शूट पे जाते हो तो अभी तक ऐसा था नहीं कि आप कोई फूजी फिल्म कैमरा लेके जा सकते हो, बट नाउ यू कैन, यू डेफिनेटली कैन, बिकॉज़ ब्लैक मैजिक रॉ इज़ समथिंग दैट यू शूट बिग यू नो डॉक्यूमेंट्रीज विथ। तो वो चीज़ डेफिनेटली आपको जो प्रोफेशनल फिल्म मेकर्स हैं दे इट विल रियली बेनिफिट यू गाइस। कमिंग टू द फ्रेम रेट्स, आपको मिल रहा है 4K 60, 4K 30, ये सब आपको मिलेगा ही, बट द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये सारे जो फ्रेम रेट्स के ऑप्शंस होंगे दीज विल बी ओवर सैम्पल्ड। तो आपको पूरा 6K सेंसर रीड आउट मिलेगा इन इन केसेस में, और वो जो फुटेज होगा वो बहुत ही शार्प होगा क्योंकि पूरा 6K सेंसर से आपको 4K फुटेज मिल रहा है। तो ऑफकोर्स इट विल बी सुपर डिटेल्ड विद द एक्सेप्शन ऑफ 4K 120। 4K 120 आपको मिल रहा है एंड इट इज़ अमेजिंग, बहुत सही रहेगा। 4K 120 एक ऐसा ऑप्शन है जो कि फूजी फिल्म यूज़र्स बहुत टाइम से मांग रहे हैं, बट द ओनली कैच देयर इज़ दैट इट इज़ नॉट अ फुल सेंसर रीड आउट। आपको 1.3 टाइम्स का क्रॉप मिलेगा उसमें, एंड आई थिंक क्रॉप थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट आई मीन आई डोंट नो, आई कैन नॉट हैव अ फाइनल ओपिनियन ऑन दिस थिंग बिफोर एक्चुअली ट्राइंग द 4K 120 फुटेज। तो एक बार शूट ही करना पड़ेगा इसके लिए, तो कि वो उसका क्रॉप का कितना असर पड़ रहा है उस फुटेज पे वो देखना पड़ेगा, बट वी हैव द ऑप्शन ऑफ 4K 120 विच इज़ अमेजिंग। मैं आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ ऑन दैट कि 4K 120 हमको मिल रहा है, इट इज़ ग्रेट। 4K जो इनके 4K 120 और या फिर इन जनरल 100 FPS या 120 FPS में एक और दिक्कत यह है कि फूजी फिल्म इन फ्रेम रेट्स को सिर्फ हाई स्पीड रिकॉर्डिंग मोड में ही सपोर्ट करता है, विच मीन्स कि आप इन फ्रेम रेट्स पे ऑडियो नहीं कैप्चर कर सकते हो। क्वालिटी आपको बहुत क्रेजी मिलेगी बट आपको ऑडियो नहीं मिलेगी, दैट इज़ वन थिंग टू कंसिडर। साले कितनी आवाज़ कर रहा है। अनदर ह्यूज अपग्रेड इज़ दैट यू कैन शूट अप टू 720 Mbps ऑन एनी कोडेक। किसी भी कोडेक में आप 720 Mbps तक जा सकते हो, बट उसके लिए आपको एक CF एक्सप्रेस टाइप बी कार्ड ही लेना पड़ेगा। 720 वाला जो वो है कोडेक फॉर्मेट है वो SD कार्ड में सपोर्टेड नहीं है। सो वॉट इज़ द मैक्सिमम रेजोल्यूशन एट विच यू कैन शूट, दैट्स द फाइनल क्वेश्चन। इसका जवाब है 6.2K एट 30 FPS, एंड इट्स क्रेजी वॉट यू कैन डू दीज डेज विद दीज स्मॉल कैमराज। आपको पूरा 6K रीड आउट, पूरा 6K वीडियो फुटेज मिल रहा है एट 30 FPS, एंड यू कैन इवन शूट दैट इन रॉ एक्सटर्नली विच इज़ माइंड ब्लोइंग। यू कैन एक्चुअली शूट अ कमर्शियल नाउ विद अ फूजी फिल्म कैमरा, एंड इट वॉज नेवर पॉसिबल बिफोर दिस। नाउ लेट्स गेट टू द प्राइस ऑफ दिस कैमरा। द प्राइस ऑफ दिस कैमरा इज़ $2500, जहाँ पे लॉन्च हो चुका है वहाँ $2500 का लॉन्च हुआ है। आई नो इट्स नॉट लाइक, पहला पर्स्पेक्टिव दिमाग में ये आता है कि इट्स अ लॉट फॉर अ क्रॉप कैमरा, बट ये हमारे दिमाग में इसलिए आता है क्योंकि हमने क्रॉप कैमराज सिर्फ सोनी के देखे हैं। ज़्यादातर लोगों ने अभी तक क्रॉप कैमराज कंसिडर ही सिर्फ सोनी के करे हैं। तो सोनी ने क्रॉप कैमराज की ऐसी इमेज बना दी है कि क्रॉप कैमराज कैन नॉट बी हाई एंड कैमराज, यू नो जो Super 35 कैमराज हैं वो हाई एंड नहीं हैं। फुल फ्रेम पे आप जाओगे तो आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे सारे अमेजिंग। सोनी ने कुछ ऐसा सा सिस्टम हमारे सामने डेवलप कर दिया है एंड इट्स देयर इन आर हेड्स नाउ, बट इट्स नॉट एट ऑल ट्रू गाइस। बहुत लंबे टाइम के लिए जितने भी सिनेमा कैमराज हैं अभी भी इनफैक्ट वो सब Super 35 ही होते थे। आप किस लेवल की क्वालिटी निकालना चाहते हो कैमरा से अपने, वो इस पे नहीं डिपेंड करता कि आपके सेंसर का साइज़ क्या है, वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं, क्या क्या बिट रेट्स, क्या कोडेक्स मिल रहे हैं, आर दे गुड इनफ फॉर अ कमर्शियल, आर दे गुड इनफ फॉर अ बिग शूट। इट ऑल कम्स डाउन टू दैट, नॉट कि आपका सेंसर साइज़ कितना बड़ा है। आपका सेंसर साइज़ कितना भी बड़ा हो, आप फुल फ्रेम से बड़ा दे दो, अगर आप 30 Mbps पर शूट करोगे, 50 Mbps पर शूट करोगे, तो इट इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक एनी सेंस एट ऑल। तो
तो दैट वॉज अ वेरी स्मॉल लेसन फ्रॉम अ पर्सन हु इज़ अ लिटिल एक्सपीरियंस्ड इन दिस एरिया. तो वापस उस पॉइंट पे आते हैं प्राइस वाले पे, कि आई नो स्टार्टिंग में देखने में लगता है कि भाई क्रॉप कैमरा के हिसाब से थोड़ा महंगा है, और देखने में शायद आपको एज अ इंडियन क्रिएटर यही लगे कि लेट्स जस्ट गो फॉर A74 क्योंकि वो फुल फ्रेम कैमरा है. एंड इन फैक्ट अब तो उसमें भी काफ़ी फीचर्स आ गए हैं, 4K 60 वगैरह उसमें काफ़ी कुछ आ गया है. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, यू डोंट गेट अ लॉट, जो कि बहुत ही मतलब $2,500 के बियॉन्ड कैमराज में जो फीचर्स XH2S दे रहा है वो आपको A74 में नहीं मिलते हैं. इट्स जस्ट अ वेरी स्मॉल कंपेरिजन जस्ट टू शो यू कि हाँ ये कैमरा कितना केपेबल होने वाला है. येस मेरा ओपिनियन मैंने आपको बता दिया, इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी XH2S ओवर एनी अदर कैमरा एटलीस्ट इन दिस रेंज. या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बेल आइकन दबा दो और लाइक कर दो इस वीडियो को. कोई और बंदा अगर है आपका फ्रेंड या आपका कोई और रिलेटिव जो आपको लगता है कि हाँ इस चैनल से बेनिफिट ले सकता है, तो उनको ज़रूर इस चैनल के बारे में बताना. आई अपलोड दीज काइंड ऑफ वीडियोज़ ऑन अ रेगुलर बेसिस, एटलीस्ट फ्रॉम नाउ आई विल. या थैंक यू सो मच अभी तक की मेरी बकवास सुनने के लिए. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बी काइंड, कीप ग्राइंडिंग. बाय बाय.